राजस्थान में हर परिवार को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिल गई है। राजस्थान विधानसभा में चर्चा के बाद न्यूनतम आय गारंटी बिल पास हो गया है। इसके तहत हर परिवार को 125 दिन की रोजगार गारंटी और बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। पिछले बजट के वक्त में मैंने घोषणा की थी कि मैं अधिकार आधारित मिनिमम गारंटी एक्ट लाने का प्रयास करूंगा। मुझे खुशी है कि ये कानून भी अधिकार देगा तमाम ग्रामीण भाइयों को 125 दिन के रोजगार का, और शहरों के अंदर भी हमने इंदिरा गांधी जी के नाम से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की है। 125 दिन वहाँ भी मिलेंगे काम के। राजस्थान में गरीबों और मजदूरों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी, 125 दिन का रोजगार शहर और गांव में, और विधवा, बुजुर्ग, एकल महिला और दिव्यांग को 1,000 रुपए प्रतिमाह। राजस्थान सरकार ने इसे कानून बना दिया है, यानी उनका हक अब कोई नहीं छीन सकता। विधानसभा के आखिरी सत्र और चुनावी साल में ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक है। जरूरतमंदों को न्यूनतम आय और साथ ही जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, इसको कानून का दर्जा देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सुनिश्चित किया है कि उनकी सरकार सत्ता में रहे या नहीं रहे, कानून के दायरे में इनको सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम आय जरूर मिलेगी। कांग्रेस की कोशिश इन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे वोटरों को लुभाने की है, लेकिन बीजेपी को लगता है इसका फायदा नहीं मिलेगा। अब इस सरकार की भी कोई गारंटी नहीं बची, जनता ने उनको नकार दिया अब कि जिस वादों के आधार पर ये सत्ता में आए उन पर खरा नहीं उतर पाए, और जनता का विश्वास उठ चुका है इस सरकार पे, क्योंकि सरकार ने जो वादा करके सत्ता में आए उन वादों को भूल गए। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। समाज कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए सरकार अब गिग वर्कर्स के लिए भी समाज सुरक्षा का प्रावधान करेगी, लेकिन इनके बलबूते क्या कांग्रेस राजस्थान में दोबारा आ पाएगी? असली सवाल ये है जिसका जवाब कुछ दिन में मिलेगा। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। ग्वालियर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची। वैसे ये पहला मौका है जब गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर आया और सिंधिया परिवार का कोई सदस्य उनके साथ नहीं है। प्रियंका ने जबलपुर में वायदों की झड़ी लगा दी तो बीजेपी भी आक्रामक रही। ग्वालियर में उनके खिलाफ नारे लगे, खुद मुख्यमंत्री ने भोपाल में मोर्चा संभाला। ग्वालियर के मेला ग्राउंड पर कांग्रेस की जनसभा में प्रियंका ने जनता को राम राम कहा ब्रज भाषा में। श्री कमलनाथ जी, फिर प्रदेश सरकार को घेरा, लोगों के लिए 6 गारंटी दी, पुरानी पेंशन लागू करने, नारी सम्मान में हर महीने 1500 रुपए देने, 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट पर बिजली हाफ, किसान कर्ज माफी, दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाना, और फिर केंद्र सरकार को घेरा, विपक्षी एकता और मणिपुर की बात कही। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए। ग्वालियर में पहले प्रियंका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर गईं। ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया पर इतिहास में लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध करने और देशद्रोह जैसे आरोप लगते आए हैं, लेकिन यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया। पूछा, राजस्थान में मासूम बेटियों पर अत्याचार कब रुकेगा? नारेबाजी हुई, प्रियंका पर पर्चे फेंके गए। खुद मुख्यमंत्री ने भोपाल में सवालों का मोर्चा संभाला। मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया जो शादी के साथ दिया करते थे। हम लोग बेगा भारिया सहरिया बहनों को 1,000 रुपया देते थे हर महीने, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया था। बेटा बेटियों को लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाते थे, हमारी वो योजना बंद की, संबल बंद की, तीर्थ दर्शन बंद की, और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो गरीबों के ऊपर छत देने का काम करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में वो भी वापस लौटा दिए थे, और जल जीवन मिशन पर काम ही शुरू नहीं किया।
तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस ग्वालियर की अहमियत समझते हैं। ग्वालियर चंबल में 8 जिले हैं, 230 में से 34 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में 34 में से 26 कांग्रेस के पास आई थी, 7 बीजेपी तो 1 बसपा को। बसपा 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर भी थी और कई सीटों पर उसे निर्णायक वोट भी मिले थे। खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र बमुश्किल 3,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार आश्वस्त हैं। पिछली बार ग्वालियर चंबल में 3 बड़े कारण थे। वो बड़े कारण ये थे कि वहां 2 अप्रैल का दंगा हुआ था, SC वर्ग एकदम भाजपा के खिलाफ चला गया था। दूसरा बड़ा कारण था कि किसान धोखे में आ गया था कांग्रेस के 2 लाख रुपए के कर्जे के। और तीसरा कारण कि सिंधिया जी जो ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया था, चुनाव अभियान के प्रभारी थे वो, और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। इस बार ये तीनों कारण नहीं है ग्वालियर चंबल में, इसलिए कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। दावे हैं, प्रतीक है, सियासत है। ग्वालियर में कांग्रेस ने जनता से कहा बीजेपी जैबे बारी है, कांग्रेस आयबे बारी है। हालांकि जनता ने क्या तय किया वो तो वही जाने। इतना जरूर है कि ग्वालियर चंबल की जो 34 सीटें हैं वो प्रदेश की सत्ता के लिए अहम चाबी हैं। ग्वालियर से अपने सहयोगी देव शिमाली और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कर्नाटक में बीजेपी JDS के बीच गठबंधन की चर्चाओं के बीच शुक्रवार को JDS और बीजेपी के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का ऐलान किया। बीजेपी नेता बासवराज बोम्मई और JDS प्रमुख HD कुमार स्वामी ने इसका ऐलान किया। दोनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करे, इससे 20-30 हजार करोड़ का राजस्व जुटेगा। JDS पहले भी बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कई बार संकेत दे चुकी है। भारत ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब पिछले एक साल में चावल की खुदरा कीमत में 11.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि पिछले एक महीने में चावल की खुदरा कीमतें 3% तक बढ़ी हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से कीमतें नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में इस फैसले का असर भी दिखना शुरू हो गया है। देखते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के सबसे बड़े नया बाजार अनाज मंडी में बीते 24 घंटे में गैर बासमती चावल 1 से 2 रुपए किलो सस्ता हो गया है। वजह है गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगी पाबंदी। यहाँ के चावल व्यापारियों को उम्मीद है कि अब बड़े चावल निर्यातक मंडियों में अतिरिक्त स्टॉक उतारेंगे। नया बाजार में पिछले करीब 4 दशक से चावल का कारोबार कर रहे कारोबारी सुखमाल जैन कहते हैं सरकार का ये फैसला अच्छा है। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, जो गैर बासमती चावल है उसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से कारोबार समझते हैं चावल का, क्या मंशा आपको लगता है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले? ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, क्योंकि चावल के इसके रेट काफी बढ़ गए थे, तो गवर्नमेंट इसको करेगी कुछ कम हो जाएगा, गरीबों को खाने की चीज है तो इससे अच्छा रहेगा। पिछले 24 घंटे में फैसले के बाद भी असर पड़ा? हाँ, थोड़ा असर पड़ा है इस बात का, रूमर से भी 100 रुपए क्विंटल में 1 रुपए किलो कम से कम असर आया है, जो माँ हाँ 1-2 रुपए का असर आया है। दिल्ली की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार के चावल व्यापारी मानते हैं कि गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक की वजह से आने वाले दिनों में धीरे धीरे मंडियों में गैर बासमती चावल की उपलब्धता बढ़ती जाएगी और इसकी वजह से कीमतों में आने वाले दिनों में और नरमी आ सकती है। नया बाजार अनाज मंडी के चावल व्यापारियों को उम्मीद है कि खरीफ सीजन के बाद मंडियों में चावल की उपलब्धता में अच्छी बढ़ोतरी होगी। कुछ जगहों पर खरीफ फसलों के खराब होने की भी खबर आई है, लेकिन इस बार चावल की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। चावल कारोबारी सुरेश शर्मा कहते हैं सरकार के फैसले का सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को मिलेगा, जो सस्ते गैर बासमती चावल का ज्यादा उपयोग करते हैं। जो हमारे छोटे कम लेवल के जो लोग होते हैं, जो नीचे का, जिनके अंदर ये फर्क पड़ जाता है कि भाई इस रेंज से ऊपर का नहीं ले पाते, उनके ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जितना भी कॉलोनी वहाँ तो बासमती चलता है, और बाकी जितनी भी झुग्गी झोंपड़ियाँ लो इकोनॉमी का, हाँ, उनके यहाँ इस बात का इफेक्ट पड़ेगा।
उधर यूक्रेन के ग्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस के हवाई हमले और यूक्रेन से गेहूं के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए रूस द्वारा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से बाहर आने के फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में उथल पुथल तेज हो गई है। यूक्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले देशों में है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में गेहूं की कीमतें पिछले 3 दिनों में करीब 1.4% तक बढ़ गई हैं। हालांकि भारत में फिलहाल इसका असर मंडियों में नहीं दिख रहा है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्केट का ट्रेंड क्या है? पिछले साल तो ये यूक्रेन के झगड़े की वजह से अफवाहों में ही स्टोरी काफी हावी थे। इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर असर नहीं है भारत में, जो वहाँ लड़ाई हो रही है उसका? नहीं नहीं, उसका कोई असर नहीं है। सब चीजों की आसानी से अवेलेबिलिटी है। और FCI ने भी एडिशनल स्टॉक्स उतारे हैं गेहूं के, अच्छा, बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए। आपको लगता है इसका भी एक अच्छा असर क्या है? तो देखो, गवर्नमेंट ये की है, एक अच्छी पहल है कि भाई लोगों को अच्छी चीज़ें मतलब टाइम टू टाइम वो देते रहते हैं। जैसे आजकल चने दे रहे हैं, अरहड़ दे रहे हैं, इनसे मार्केटों की जो तेजी है वो रुक जाती है। स्टॉकिस्ट ये जो स्टोरी टाइप के लोग हैं ये भाग जाते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए बाजार में गेहूं और चावल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्टॉक रिलीज किए हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली है। नया बाजार अनाज मंडी से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। उधर मुश्किल आर्थिक हालात से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के दिल्ली दौरे पर भारत श्रीलंका के बीच कई अहम समझौते हुए। भारत ने तमिलों, मछुआरों और इस क्षेत्र में सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। मुश्किल हालात में ठीक एक साल पहले सत्ता संभालने वाले श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे कुछ ही घंटों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे, भारत को लगातार मदद के लिए धन्यवाद दिया और स्थिति की बेहतरी के लिए कनेक्टिविटी से जुड़े कई समझौते किए। भारत ने वहां तमिलों के अधिकारों, मछुआरों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। पिछले कुछ वक्त में चीन के जासूसी जहाजों के वहां पर रुकने को लेकर कई चिंताएं भी रही हैं। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा ही और विकास एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। इन रिव्यूइंग रीसेंट डेवलपमेंट्स इन श्रीलंका, मैंने श्रीलंका में पिछले दिनों के हालात रिव्यू किए। मैंने PM मोदी को बताया कि आर्थिक बेहतरी के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, ताकि सतत और स्थिर विकास हो जो श्रीलंकाई समाज के हर हिस्से को और पूरे देश को फायदा पहुँचाए। श्रीलंकन सोसाइटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। श्रीलंका के बंदरगाहों पर चीन के जासूसी जहाजों की मौजूदगी के सवाल पर विदेश सचिव ने कहा कि हर चुनौती पर बात हुई। श्रीलंकाई पक्ष ने इस क्षेत्र में हमारी सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं को समझा, हम उसका सम्मान करते हैं। कई तरह से ये साझा चुनौतियां हैं और दोनों पक्ष इन मसलों पर नजर रखेंगे। जिन समझौतों पर दस्तखत हुए उनमें UPI के इस्तेमाल, नागापट्टिनम कांकेसुथुराई के बीच फेरी सर्विस, रिन्यूएबल एनर्जी पर सहयोग, त्रिंकुमली को इंडस्ट्री, ऊर्जा और आर्थिक केंद्र बनाना शामिल हैं। जमीन से कनेक्टिविटी और पेट्रोलियम पाइपलाइन पर फीजिबिलिटी स्टडी की भी बात है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।